नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। आज 10 बजते ही पूरा पुलिस प्रशासन दरभंगा के सड़कों पे उतर गए। इस दौरान सड़क पर जाते गाड़ियों की सघन जांच की गई। बेवजह घूम रहे लोगों से जुर्माना की राशि की वसूली की गई। पुलिस के द्वारा की जा रही इस कार्रवाई को देख बेवजह घूम रहे लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल लॉकडाउन से मिल रही सफलता के बाद सरकार की ओर से लॉकडाउन की इस सख्ती से अनुपालन का निर्देश लगातार अधिकारियों को दिया जा रहा है। इसी क्रम में दरभंगा के SSP बाबूराम लॉकडाउन का अनुपालन का जायजा लेने खुद निकल पड़े। फिर SSP बाबूराम ने सभी थाना अध्यक्ष से कहा कि शहर में सुबह के 6 से 10 बजे तक दुकान खुलेगी तथा 10 बजे के बाद सभी अपने क्षेत्र में बैरिकेटिंग लगाकर सभी लोगों की चेकिंग करेंगे। अगर कोई बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं तो उन्हें तुरंत दंडित किया जाए। सभी थाना हम लोगों ने निर्देश दिया है कि 6 से 10 शहरी क्षेत्रों में बाजार खुलने का समय है और इस 10 के बाद में सभी जगह पे बैरिकेडिंग लगा के नाकाबंदी करनी है और पैदल हो या वाहन में कोई हर आदमी की तलाशी लेनी है, चेकिंग करनी है। उसका देखना है कि किस उद्देश्य से जा रहे हैं। अगर कोई कहता है कि वो चिकित्सक इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं या किसी और अनुमति प्राप्त सेवा के लिए जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स देख के ये सुनिश्चित करना है कि जो अनुमति प्राप्त सेवाएं हैं उनके लिए ही आवागमन करेंगे। और अवैध रूप से रोड के ऊपर पाए जाने वाले, चाहे वो पैदल हो या वाहन में हो, उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है, फाइन किया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सब थाना को निर्देश दिया गया है कि लगातार अपनी गश्ती गाड़ी से माइकिंग कराएं, लोगों को जागरूक करें, बाजार को बंद रखें। खासकर जहाँ पे हाट लगते हैं या सब्जी बाजार लगते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ की शिकायत है, ऐसे बाजारों को स्कैटरिंग करके जरूरत के हिसाब से कहीं दूसरे खुले मैदान में या स्कूलों में शिफ्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। और सिंहवाड़ा, कमतौल वगैरह में काफ़ी जगह हम लोगों ने बाजार शिफ्ट कराए भी हैं। यहाँ पर भी गुंडली बाजार, सुभाष चौक बाजार को शिफ्ट कराया है।